नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग एक में कॉमर्स में 14% आरक्षण के आधार पर किस रैंक तक ज्वाइनिंग मिल सकती है। आज इस वीडियो में हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमर्स की कुछ बेसिक जानकारी। तो DPI में कुल पद हैं कॉमर्स की लगभग 664, UR पद 140 160 हैं। UR में लगभग 123 मेल हैं, 37 फीमेल हैं। UR में जो OBC सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 7 मेल हैं और 15 फीमेल हैं। OBC पद 664 में लगभग 125 हैं, मेल में जिन 77 हैं, फीमेल में 68 हैं। यदि हम 125 को 14% आरक्षण के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लगभग 65 पद 14% आरक्षण पर OBC को मिलते हैं, जिनमें से 40 मेल हैं। और 40 मेल क्यों? क्योंकि हमने 77 का निकाला है पहले, 1% पुरुष में 14 का भाग दिया तो लगभग 40 पद निकले। 48 को आधार मानकर हमने निकाला तो उसमें 25 पद फीमेल के निकले। एब्सेंट कैंडिडेट लगभग 15 हैं, ये लगभग में यहाँ से यहाँ तक की जानकारी। नॉट डॉक्यूमेंट अपलोड लगभग 14, होल्ड रिजेक्ट प्लस सहवे से लगभग 15। अब हम देखते हैं कि संभावित ज्वाइनिंग रैंक क्या हो सकती है, किस रैंक तक ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो सबसे पहले OUR में OBC से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वह कितने हैं, 7 फीमेल की हैं 15, तो टोटल हो जाएंगे 22। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो मे फीमेल की मेरिट मर रही है वह मेल में भी मर रही है, तो जो मेल के पद हैं उनमें तो वे तो मेल के हैं ही, जो फीमेल के पद हैं वो तो फीमेल के हैं ही, लेकिन उनकी लिस्ट में, उनकी लिस्ट मेल में भी हो रही है। यदि किसी मेल के फीमेल के अधिक अंक हैं, किसी फीमेल के अधिक अंक है तो उसका सिलेक्शन मेल में हो जाता है। ऐसा भी भर्ती में हुआ है, तो इस कारण से फीमेल की जो लिस्ट है रैंक क्लियर हो सकती है वह 22 तक। 14% आरक्षण के आधार पर 40 पद मेल के हैं तो, और फीमेल के निकले थे 25, लेकिन इनके टोटल पद माने जाएंगे 65, क्योंकि इनका सिलेक्शन मेल की पोस्ट में भी हो रहा है। एब्सेंट लगभग 2 मेल के हैं, 1 फीमेल के, तो दोनों के लिए रैंक मिलेगी 3। नॉट डॉक्यूमेंट अपलोड 2 मेल 1 फीमेल, तो दोनों के लिए 3। इसी प्रकार होल्ड प्लस रिजेक्ट प्लस सहवे सह 2 मेल और 1 फीमेल, तो दोनों इन्हें टोटल मिलेगी 3। यहाँ से यहाँ तक की जानकारी आपकी लगभग में है। अब हम देखते हैं आगे, इनका टोटल करते हैं तो 96 आता है। 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, 6, 2, 8, 1, 9, 96। तो जिसकी जिस फीमेल की रैंक कॉमर्स सब्जेक्ट में 96 से लेकर 130 के मध्य है, वह 14% आरक्षण पर भी चांस उसके ज्वाइनिंग मिलने के, यह संभावित है। संभावित OBC रैंक या रिजर्व रैंक है। अब हम देखते हैं मेल में, तो मेल में जिसकी रैंक रैंक 53 से लेकर और 70 के मध्य भी आ रही है तो उसके संभावता चांस से ज्वाइनिंग मिलने की। यदि 14% आरक्षण भी OBC को मिलता है और यदि आपकी रैंक इसके मध्य है तो आपकी ज्वाइनिंग होने के चांस हैं। क्या है कि कैलकुलेशन है, फाइनल लिस्ट नहीं है, फाइनल लिस्ट ऊपर नीचे भी हो सकती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार साथियों।